हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं। तो महंत जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उससे जब लोग लौटेंगे तो गोधरा जैसा कांड हो सकता है। ये काफी बड़ा स्टेटमेंट जो है वो उन्होंने दिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। इनका बयान का मैं निंदा करता हूँ, पुरजोर विरोध करता हूँ। इसलिए हमारे पूर्वजों ने जो कहा है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, तो घमंडिया गठबंधन का जो उद्देश्य है सनातन को खत्म करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप डीएमके के नेता लोग कह रहे हैं, जो इस गठबंधन के प्रमुख घटक दल और पावरफुल व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने ये बात कही है। आज देखिए जिस प्रकार से ये बाला साहब ठाकरे की धरती, जिन्होंने कहा गर्व से कहो हम सनातनी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हमारे पूर्वजों ने बाबरी मस्जिद को गिराया। इसलिए गिराया क्योंकि बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, और भगवान राम के जन्मभूमि पे उसने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था। इसलिए सनातनियों ने, शिवसैनिकों ने मस्जिद को गिराया। गर्व से मैं कहता हूं, आज उनका बेटा यह कहे, पूर्व सीएम रहे हैं, वो ये कहे कि अयोध्या में इसलिए कार सेवकों को इकट्ठा किया जा रहा है, राम भक्तों को इकट्ठा किया जा रहा है, राम जन्मभूमि के बहाने इकट्ठा करने के बाद जब वापस आएंगे तो गोधरा जैसे घटना होगी। कितनी दुर्भाग्य की बात है, कितनी बेशर्मी की बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री यह कहता हो, गोधरा जैसे रूह कपा देने वाली घटना जो इतने लोग को एक बोगी में बंद करके वो चला दिया गया, लाश भी पहचान में नहीं आ पा रहा था। आप समझो कि हिंदुस्तान में जहां पर 80% हिंदू रहता हो, जहां पर सनातनी रहते हो, जहां पर संविधान का राज हो, वहां पर लोगों को ऐसे जलाया जाता हो, और पुनः महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उस पर कमेंट करते हो, तो ये दुर्भाग्य की बात है और कुछ नहीं। पालघर में जब एक घटना हुई थी तो आपने कई सारी टिप्पणी उद्धव ठाकरे पे की थी, आपने कहा था, और उसके बाद भी काफी कुछ हुआ था, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? पहले पालघर की घटना हुई, उसके बाद ऐसे सारा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है, पालघर में जो घटना हुआ था बहुत निंदनीय था। उसके लेकर 4-5 दिन हम लोग अमरण अनशन पे थे, लेकिन फिर पुनः अमरण अनशन प्रशासन ने तुड़वाया। लेकिन दुख इस बात की है कि जो सनातन की बात करता था, जो सनातनी था, वो इतना सेकुलर हो गया कैसे, और सेकुलर हो गया तो इतना गिर जाना नीचे, जो यह कहे कि सनातन को हम मिटा देंगे उसका साथ देने लग जाए। किसी पर हमने हनुमान जी महाराज से प्रार्थना किया, कहा गया कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, तो असुरों को संहार करने वाले हनुमान जी। और देखिए इसी का प्रणाम स्वरूप है कि जिसके राज्य में संतों की हत्या हो वो राज्य का विनाश हो जाता है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, या प्रमाण आपके सामने में है, पार्टी चली गई, निशान चला गया, बजट भी जा रहा है, पार्टी फंड, अब मुझको लगता है कुछ ही लोग इनके साथ बचे हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी उद्धव जी आप सुधर जाए, और जो ये कहता हो कि हम सनातन को मिटा देंगे, या तो आप उसके साथ न रहिए, रहिए तो फिर उनको कह दीजिए अपनी जबान पर टेप लगा दो, सनातन को खत्म करना किसी की औकात की बात नहीं है। सनातन को खत्म करने वाले औरंगजेब, हुमायूं, अकबर, बाबर, कितने बड़े बड़े राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही चले गए, सनातन को कोई खत्म नहीं कर पाया। तुम्हारी हिम्मत नहीं है सनातन को, तुम खत्म कर दोगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का वंशज अभी जिंदा है, लेकिन ये तो बोल नहीं सकते, तो कम से कम वो जवाब तो दें। इसके नाते मेरा उनसे सवाल था। साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया का जो गठबंधन हुआ है वो सनातन धर्म को मिटाने के लिए हुआ है, आपको नहीं लग रहा कि सनातन धर्म एक इजी टारगेट बन गया है जैसे जैसे चुनाव आ रहा है और सारी चीजें हो रही है? दुर्भाग्य की बात है। आप देखिए, अगर दम हो किसी नेताओं के अंदर तो किसी अन्य मजहब के बारे में बोल के दिखा दे, कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, उसका सर्तन से जुदा हो जाएगा, कट जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण है, भारत ही देश में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटना हो चुकी है। हम सनातनी हैं, हम सहस्रु हैं, कोई बात नहीं, राजूदास को एक झापड़ मार दो, दूसरे गाल आगे बढ़ा देंगे। अब लेकिन सनातनी जग रहा है, पुनः कहूंगा, आप लोग कान खोलकर सुन लो, सनातनी जग रहा है, ऐसी नौबत ना आ जाए कि आपको अपने घर से हम निकलने ना दें। इसलिए निवेदन है, अभी भी निवेदन कर रहा हूं, सनातनी सदैव निवेदन पूर्वक अपनी बात को रखता है, अभी भी निवेदन है, आप लोग अपने जबान पे लगाम दो,
आप देश में तमाम विषय है उस पर चर्चा करो, वार्ता करो, लेकिन आप ये कहोगे कि सनातन को हम खत्म कर देंगे, ये सनातनी जब तक एक एक बच्चा जिंदा है तब तक तुम सनातन को नहीं खत्म कर पाओगे। और जिस दिन वक्त आ जाए कि माला हटाकर भाला उठाना पड़े तो हम लोग भाला भी उठा सकते हैं, इसमें कोई चिंता नहीं। लेकिन इंडिया का गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है और लगातार ऐसी सारी टिप्पणियां, क्योंकि ये कहा जा रहा है बार बार एक ही चीज को दोहराया जा रहा है कि सनातन को खत्म करने के लिए इंडिया का गठबंधन हुआ, उसको आप कैसे? मुझको कांग्रेस से उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे उम्मीद यह करता हूं क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वो विपक्ष के नेता है, तो थोड़ा बहुत मैं उनसे उम्मीद यह करता हूं क्योंकि सोनिया जी से, खड़गे से मेरा कोई उम्मीद नहीं है। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद अगर कोई हल्की बात करे, इतना हल्की बात करे कि मोदी मजबूत होगा तो सनातन मजबूत होगा, अरे भाई सनातन से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? मैं पूछना चाहता हूं सनातन ने आपका क्या बिगाड़ दिया, क्या उखाड़ लिया कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो कि सनातन मजबूत होगा? तो इसके नाते मुझको लगता है इस गठबंधन को साफ तौर पर अपना क्लियर करना चाहिए, क्या आपने गठबंधन इसलिए बनाया है कि सनातन को खत्म करना? अगर सनातन को खत्म करना है तो साफ साफ आप बता दीजिए कि गठबंधन इसलिए बना है कि सनातन खत्म कर देंगे, क्योंकि रुझान बाहर आने लग गया है। डीएमके के नेता एक नहीं, शिक्षा मंत्री से लेकर ए राजा से लेकर कई के नेता का बयान यही है। इसके नाते आप देखिए बिहार में जो इनके घटक दल है शिक्षा मंत्री, उनका बयान यही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता, उनका बयान यही है। तो मैं क्या समझूं, वाकई में सही में जो डीएमके के नेता कह रहे हैं कि इसलिए इस गठबंधन हुआ है कि सनातन को खत्म करना है, तो जनता इसी साथ आपको जवाब देगी। आपने ए राजा का नाम लिया, ए राजा ने कहा है कि हिंदुत्व जो है वो पूरे देश के लिए खतरा है, ये भी काफी बड़ा जो स्टेटमेंट है उनके तरफ से सामने आया है। मैं आपको निवेदन पूर्वक न्यूज 18 पे मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, अगर सनातन इतने खतरनाक होते तो मैं पूछना चाहता हूं क्या आज ऐसे शब्द बोल पाते? डेंगू है, मलेरिया है, एड्स जैसे है, इसको खत्म कर देना चाहिए, बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते। सनातनी सहस्रु है, सनातन ने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया हिंदुस्तान में, इस भारत देश में, इसके नाते ऐसे बोल पा रहे हैं। अगर जिस दिन हम कट्टर हो जाएं, जिस दिन अपने धर्म के प्रति हम जागरूक हो जाएं, जिस दिन हम अपने धर्म के प्रति धर्मो रक्षति रक्षता का जो ये हमारी जो वाक्य है, जो वाणी है धर्मशास्त्र का, जिस दिन हम इस पे उतर जाएंगे उस दिन ये बोल नहीं पाएंगे। इंडिया का नाम भारत रखने पर आप क्या सोचते हैं? ये आज से नहीं है, अनाज से चलते चला रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अंग्रेजों ने इसको इंडिया बना दिया, अंतर कुछ नहीं है, लेकिन माँ और मम्मी बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। माँ का अर्थ दूसरा और मम्मी का अर्थ दूसरा, पिताजी का अर्थ दूसरा और पापा का अर्थ दूसरा होता है, उसी प्रकार इंडिया और भारत का अर्थ है। इसके नाते भारत ही सबको बोलना चाहिए, इंडिया नहीं बोलना चाहिए। आजम खान के घर पे आज सुबह से रेड चल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, मैं पुनः उत्तर प्रदेश के गुंडा माफिया मवाली जो दूसरे की जमीन हड़पते हैं, जो दूसरे का घर मकान हड़पते हैं, जो बहन बेटी बहुओं को मदरसे से उठाकर बलात्कार कराते हों, जो जेल में रहने के बाद फिरौती मांगते हैं, ऐसे से मेरा अपील है या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी अन्य प्रदेश चला जाओ, या तो फिर आप जेल के अंदर रहो, या तो आपका प्रभु से सीधे मेल हो जाएगा। यह उत्तर प्रदेश की व्यवस्था, क्योंकि एक योगी का शासन है, योगी का शासन सबके लिए एक समान एक बराबर होता है। तो इसके नाते लगातार जिस प्रकार से उन्होंने मुसलमान भाइयों का ही एक नहीं लमसम हमको लगता है 35 मुसलमानों ने उनके खिलाफ FIR लिखाई है, किसी का मकान इन्होंने कब्जा कर लिया, किसी का इन्होंने दुकान कब्जा कर लिया, किसी के परिवार को उन्होंने उठवा लिया, तो होनी चाहिए रेड पड़नी चाहिए, उनका तो घर बुलडोजर से गिर जाना चाहिए। अभी तो बहुत चीज उनके साथ बाकी होना है, क्योंकि जो दीन को हीन को निरीह को सताएगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल यह है कि आवाहन क्या देना चाहेंगे, जिस हिसाब से लगातार सनातन धर्म पे हमला किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है, टिप्पणियां की जा रही है, तो आवाहन क्या देना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूंगा, आवाहन ये है कि साधु संत तो जग जाइए, चिमटा को बजा दीजिए, सनातनी जग जाओ, जैन सिख बौद्ध सारे लोग
आप जग जाइए और जगने के बाद इनका मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर आप मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे तो ऐसे ये मुंह से जगर जहर उगलते रहेंगे और सनातन की खत्म करने की बात करते रहेंगे। ऐसे लोगों का या तो फिर जेल में हो या तो सीधे प्रभु से मेल हो। सनातनी जग जाओ, ये अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ महंत राजू दास जी, वीडियो जर्नलिस्ट वसंत पाटिल के साथ श्रेया दुबे, न्यूज 18 इंडिया।